मौत की सड़क पर जिंदगी को दांव पर लगाकर रोजाना हजारों वाहनों को हो रहा है आवागमन। जी हां, मामला हिंडौन करौली सड़क मार्ग का है, जहां जगह जगह सड़कों में गड्ढे और गांव में अतिक्रमण हो रहे हैं, जिससे सड़क सिकुड़ती ही जा रही है। पर सड़क निर्माण करने वाली RSRD कंपनी फालिकापुर का नाका बनाकर टोल टैक्स वसूलने में लगी है। इससे लेर हिंडौन महुआ तक ये जो हाईवे है भाई साहब, ये क्षतिग्रस्त हाईवे, इसमें लगभग 6 महीने से समस्या आए दिन लोगवा गिर रहे हैं, आपकी क्या राय है? सर ये क्या है, काफी जगह क्षतिग्रस्त है और इस पे क्या है, सरकार ने टोल टैक्स भी बनाए हुए हैं जगह जगह पर, सरकार उनसे पूरा, सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियां उनसे पूरा फायदा उठा रही हैं, फिर भी रोड पर कोई काम नहीं कराया जा रहा है। और उसके बावजूद इस पे रोड पे क्या है, बहुत ज्यादा अतिक्रमण है हमारे यहाँ खेड़ा से लेकर और आप हिंडौन तक देख सकते हो कि पटरियों में भी जगह नहीं है जो आदमी अपनी बाइक या कुछ भी वाहन को अपनी बचा सके। और यही सर। सर मैं क्या कहूँ, सरकार निकम्मी हो गई सर। करौली से लेकर महुआ तक ये रास्ता, जो हाईवे करौली और महुआ का जो रास्ता है, ये जगह जगह क्षतिग्रस्त है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। हमने तो एक दो बार साहब निवेदन किया था श्रीमान रोड सेफ्टी के जो RSRDA की वो जो क्या नाम था उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया था सर ये रास्तों को देखो, बार बार चोटिल होती है, लोगों का मोटरसाइकिल हो, बरसातों के दिनों में ज्यादा समस्या आती है, इन दिनों में गिर जाते हैं। मोहरम कही इन्होंने मोहरम डलवा के इतनी कर लिया 8 दिन पहले, आज की तारीख में हम करौली से लेकर महुआ तक पहुंच जाए, दो दो टोल टैक्स हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि क्या समस्या आ रही है। सर बड़े हम दुखी हैं साहब, करौली दो दो जगह टोल टैक्स देके अभी और समस्या कोई समाधान नहीं है। सर अभी आप कुछ भी हो रहा है।